यार आगे कैमरा नहीं करो सबसे बड़ा योगदान कृषि और इससे संबंधित जो काम है बागवानी है फिशरीज है डेयरी है इनका सबसे ज्यादा योगदान है और ये हमारे प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे सभी साथियों ने मिलकर के हमारे कुलपतियों ने डुल्लू साहब के नेतृत्व में देश के अन्य कृषि विशेषज्ञों ने जो एक 29 इंटरवेंशन प्रपोज की 35-40 साल से मैं भी सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूं और मैं आज आपके बीच ये कहना चाहता हूं कि देश के किसी राज्य ने कृषि और एलाइड सेक्टर को लेकर के ऐसा इंटरवेंशन अभी तक नहीं किया है। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं और मैं आश्वस्त हूं कि अगर इसे हम पूरी तरह से जमीन पर उतारने में सफल हुए तो मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर का जो गौरवशाली इतिहास रहा है भविष्य भी इसका गौरवशाली होगा। अभी 6 तारीख को ये जो परियोजनाएं जो इंटरवेंशन प्रपोज किए गए वो कैसे इंप्लीमेंट होंगे इसके लिए ट्रेनिंग का कार्यक्रम शुरू किया गया। मैं उस कार्यक्रम में था और ये 638 ट्रेनिंग सेशन केवल जम्मू में नहीं केवल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर नहीं बल्कि नीचे तक के जो हमारे साथी हैं जो कृषि विभाग में बागवानी में डेयरी में डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं इन सबको प्रशिक्षित करने का काम 10 अप्रैल तक मैंने 6 जनवरी को शुरू हुआ 10 अप्रैल तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। 638 सेशन इसके हम करने वाले हैं। डाइवर्सिफिकेशन की चर्चा जेपी शर्मा साहब ने कही है मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं मित्रों कि खेत के उत्पाद से लेकर के और बाजार तक जो जो व्यवस्थाएं करनी है वो इन परियोजनाओं में पूरी तरह से समाहित है और मैं मानता हूं कि किसान भाइयों को डाइवर्सिफिकेशन के समय असंख्य सवालों का भी सामना करना पड़ता है। कौन से फ्रूट्स लगाने हैं